हेलो चिल्ड्रन, टुडे आई विल टीच यू द ज्योग्राफी चैप्टर 4 द मैप्स। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि ग्लोब की क्या क्या उपयोगिता है। हाउ एवर ग्लोब हैज लिमिटेशंस एज वेल। उपयोगिता के साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ग्लोब को हम अर्थ की होल स्टडी के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें अर्थ के किसी एक पार्ट का अध्ययन करना है, जैसे किसी कंट्री का, राज्य का, जिले का, तो हम जो है ग्लोब का उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें मैप की आवश्यकता होती है। मैप जो है वो अर्थ के किसी भी पार्ट की फिगर दिखा सकता है, उसकी रचना दिखा सकता है, और इसलिए मैप जो है हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेज। हम देखते हैं कि मैप जो हैं, नक्शे जो हैं, वो हमारे लिए कई प्रकार के उद्देश्यों के लिए उपयोगी हैं। एक मैप जो है वो स्मॉल एरिया और फ्यू फैक्ट्स को दर्शा सकता है, और दूसरा मैप जो है वो बड़ी बुक के रूप में हमें बहुत सारे देशों की एक साथ नक्शे दिखा सकता है। इस पुस्तक का नाम एटलस है, और एटलस में अलग अलग साइज के, अलग अलग नाप के मैप जो है अन्य अन्य देशों के होते हैं, और इसमें हम किसी भी देश के मैप को देख सकते हैं। मैप हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं ग्लोब की अपेक्षा। मैप कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में हम पठार, पर्वत, मैदानी भाग, नदियाँ, ओशन आदि को देख सकते हैं, और पॉलिटिकल मैप में जो राज्य हैं, कंट्रीज हैं, अलग अलग तरह के शहर, नगर, विलेज, इनको हम जो है दर्शा सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। थीमेटिक मैप जो है वो स्पेशल इंफॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं, जैसे कि सड़कें आदि हैं, रेनफॉल है, और कुछ अन्य इंडस्ट्रीज, वन, जंगल, इनके बारे में जब इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है तो इनको दर्शाने के लिए हम थीमेटिक मैप का यूज करते हैं। मैप डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल के आधार पर बनाए जाते हैं। डिस्टेंस मैप्स के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम किसी भी देश को एक्चुअल रूप में हम कागज़ पर नहीं उतार सकते हैं, तो हम जो है इसके लिए स्केल का यूज करते हैं। स्केल दो होते हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल जो है वो बड़े बड़े कंट्री और बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, और लार्ज स्केल में हम किसी शहर, नगर आदि को दर्शा सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्केल लेना पड़ता है, जैसे कि 500 किलोमीटर की दूरी अगर दिखानी है हमें, तो हम उसको स्केल के माध्यम से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर करके उसको दिखा सकते हैं। डायरेक्शन, मोस्ट मैप आर कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। बहुत सारे मैप्स में आपने देखा होगा कि इनमें एक एन के द्वारा जो है ऊपर की ओर एक तीर बना होता है, तो उसका अर्थ है कि एन यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जब हमें एक डायरेक्शन का पता चल जाता है तो हम उसके सहारे अन्य डायरेक्शन को जान सकते हैं, और मैप्स में डायरेक्शन का होना बहुत आवश्यक है। मुख्य रूप से 4 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसी के आधार पर अन्य डायरेक्शन को माना जाता है, जैसे कि एनी, नॉर्थ ईस्ट, एस डब्ल्यू, साउथ वेस्ट। तो इस प्रकार से ये जो डायरेक्शन है इनको इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहा जाता है, और जो 4 मेन डायरेक्शन होती हैं उनको कार्डिनल डायरेक्शन कहा जाता है। तो ये डायरेक्शन हमें मैप को बनाने में हेल्प करती हैं। डायरेक्शन को जानने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, और इसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है जो हमेशा नॉर्थ की ओर रहती है, तो नॉर्थ की ओर रहने के कारण हम इसके द्वारा अन्य दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सिंबल्स यानी कि चिन्ह जो मैप हैं, तो उनका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो सिंबल्स है, क्योंकि किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए हमें सिंबल्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि ट्रीज है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे लाइन्स हैं, और पुल आदि हैं, रोड हैं, तो इनको दर्शाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह बनाए गए हैं जो कि मैप में बहुत महत्व रखते हैं, और इनको हम विशेष चिन्हों के द्वारा दर्शाते हैं। रोड को हम खड़ी 2 लाइनों के द्वारा दर्शा सकते हैं, और पेड़ों को हम जो है छोटे छोटे पेड़ों के आकार के शेप बनाकर दर्शा सकते हैं। इसी तरह चर्च को दर्शाने के लिए उसके ऊपर क्रॉस का चिन्ह बनाया जाता है, और मंदिर को दर्शाने के लिए उसके ऊपर जो है छोटा झंडा बना दिया जाता है। इनके लिए हम कुछ कलर्स का भी यूज करते हैं। हरियाली, वन, जंगल दर्शाने के लिए हम हरे रंग का उपयोग करते हैं, और नदी, पहाड़ आदि दर्शाने के लिए हम नीले रंग का उपयोग करते हैं।
तो इस प्रकार से इन रंगों के माध्यम से हमें इन चीज़ों का पता चल जाता है। स्केच आई स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। स्केच जो है एक रफ ड्राइंग इसको हम कह सकते हैं, अपनी स्मृति के आधार पर इसको बनाया जाता है। जैसे कि माना हमने किसी दृश्य को पहले देखा है और अब हमें बिना देखे उसका चित्र बनाना है, तो हम स्केच के माध्यम से उसे बना सकें। और ये एक रफ ड्राइंग होती है जो मेमोरी के आधार पर बनाई जाती है। इस ड्राइंग को हम फटाफट पेंसिल या पेन के माध्यम से प्लेन पेपर पर बना सकते हैं। प्लान ए प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। प्लान जो है वो भी एक ड्राइंग है और ये छोटे एरिया को दर्शाने के लिए लार्ज स्केल के माध्यम से बनाई जाती है, जिससे हम मोर इन्फॉर्मेशन यानी और अधिक सूचनाएं जो है एकत्र कर सकते हैं। और इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि किसी भी रूम की लंबाई या चौड़ाई कितनी है। और इसको हम डायरेक्ट तो मैप में नहीं दिखा सकते, लेकिन स्केल के माध्यम से हम इसको दर्शा सकते हैं। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। तो इस प्रकार से जो स्केल के माध्यम से जो ड्राइंग बनाई जाती है तो उसको हम प्लान कहते हैं। तो इस प्रकार से ये लेसन था आपका मैप्स के बारे में, स्केच प्लान के बारे में। इसे आप पढ़कर समझिए, बच्चों इसे वीडियो में और आसानी से समझते हैं।